आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वाराणसी में ट्रैफिक विभाग की ओर से 1 नवंबर यानी शुक्रवार को यातायात माह का आगाज होगा। ट्रैफिक पुलिस लाइन से पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान संभागीय परिवहन विभाग, रोडवेज, ऑटो यूनियन के नेता समेत अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। स्कूल के बच्चे भी रैली का हिस्सा होंगे। शुभारंभ के बाद 2 से 9 नवंबर तक जागरूकता कार्यक्रम होंगे। स्कूलों में छात्र छात्राओं को ट्रैफिक के नियम बताए जाएंगे। ट्रक ट्रैक्टर स्वामी और चालकों को ड्राइविंग के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में बताया जाएगा। वाहनों पर रिफ्लेक्टर आदि भी लगाए जाएंगे। हाईवे के आसपास के लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि हादसों में होने वाली मौतों को कम किया जा सके। 10 से 18 नवंबर तक सड़क हादसे के कारकों को लेकर अभियान चलेगा। निर्धारित गति से तेज चलने का नशा कर वाहन चलाने, बिना हेलमेट बाइक चलाने, चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट, वाहन चलाते समय फोन से बात न करें, स्कूटर सायरन, प्रेशर हॉर्न, शीशे पर काली फिल्म समेत अन्य महत्वपूर्ण बातों को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही चेकिंग करवाई भी की जाएगी। इसके बाद 19 से 14 नवंबर तक हादसे के लिए चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर अभियान चलाया जाएगा। यहां जहां अधिक हादसे हो रहे हैं वहां संकेतक, गड्ढे भरने, कट बंद करने संबंधी काम कराए जाएंगे। 25 नवंबर को आपातकालीन स्थितियों में देखभाल संबंधी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसमें प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण आदि है। 26 से 29 नवंबर तक ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। 30 नवंबर को यातायात माह के समापन के साथ ही पूरे माह के दौरान बेहतर काम करने वाले यातायात फिर सिविल पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। संवाददाता तौफीक खान की खास रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।